हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, मैंने अभी जो पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताई, तो उसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं था सबका। अब आगे बढ़ते हैं एंड टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे भी पॉसिबल होगा मैं उसके एक्सरसाइजेस भी आपको प्रोवाइड करूँगी डेफिनेटली, बिकॉज़ कोई भी टॉपिक जो है वो बिना एक्सरसाइजेस के, बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट नहीं होता है। तो बहुत जल्दी, जैसे भी पॉसिबल होगा, जैसे भी टाइम सेट होता है, मैं आपको उसकी एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेट यानी कि। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैसिव एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जनरली पैसिव वॉइस हम कहते हैं इसको। गाइज, वीडियो में आगे चलने से पहले, स्टिल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि स्टडी मटेरियल आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। जनरली जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वाइज होता है, तो बेसिकली पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो नॉर्मल हमें सेंटेंस मिलता है वो तो होता है एक्टिव में, एंड जो हम चेंजेस करते हैं उसके अंदर, फिर जो फ्रेम होता है वो होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल राइट किया हुआ है, एक बेसिक सा मैंने फॉर्मेट दिया है इसका, राम ईट्स एन एप्पल। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है, तो ये तो है आपका एक्टिव वॉइस में। इसको इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग है कि राम एक एप्पल खाता है। ठीक है, एक एप्पल खाता है। टेंस मैंने आपको, आप सोच रहे हो कि टेंसेस कराए थे, टेंस का रोल ये है कि इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, टेंस के बेसिस पे होते हैं। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि टेंस कौन सा है तो हम चेंजेस कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आपको टेंस पढ़ा है। और टेंस का रोल जो है ग्रामर में सबसे ज़्यादा है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल है। ठीक है गाइस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि राम एक एप्पल खाता है। अब इसको मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि एक एप्पल राम के द्वारा खाया गया, ठीक है, बाय लगा, तो थोड़ा सा चेंज करके बोल रही हूँ, तो वो होता है अपना पैसिव वॉइस। कैसे चेंज होता है देखिए, यहाँ पर बोला है मैंने राम ईट्स एन एप्पल। राम हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो काम को कर रहा है। ठीक है, ईट्स जो है आपका, ईट्स यानी कि ईट था, उसके अंदर एस लगाया गया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके अंदर एस और ई एस लगता है अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ईट्स यूज़ किया है। ठीक है, एस लगा दिया है मैंने। मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे वर्ब के अंदर, वर्ब के लास्ट में एस लगेगा, ई एस लगेगा, किस बेसिस पे लगेगा, मैंने आपको इसके सारे रूल्स बता दिए थे गाइस। अब यहाँ पे हमारा एन एप्पल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कि हम कर्म बोलते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ इसमें ये ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल, मुझे कुछ याद आया था तो मैं पहले कंप्लीट करती हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगी। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली करना क्या होता है, इंटरचेंज कर दीजिए आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, कैसे किया है देखते हैं। एन एप्पल ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह पे ले आया, ठीक है, एन एप्पल। अभी देखिए ये आपका जो वर्ब थी, तो इससे पता लगा था कि प्रेजेंट सिंपल है ये, तो यहाँ पे हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर कैसे लगाई, किस बेसिस पे लगाई, ये हम अभी आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है ईटन, ये ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट पैसिव की पहचान ये कि इसमें सारे ही कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड बाय आएगा, हमेशा आएगा, ये चीज़ें इसमें चेंज नहीं होंगी, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय जो है ये हमेशा ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, बाय आ गया हमारा, और यहाँ पे मैंने राम को मैं लेके आ गई ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन यानी कि पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का होगा जिसके अंदर की ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें जो है पैसिव वॉइस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो है वो लीड रोल में होता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं हम कि पैसिव वॉइस के अंदर जो हीरो है मूवी के अंदर वो आपका ऑब्जेक्ट ही है, जब हीरो ही नहीं होगा तो मूवी कैसे होगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइज कि आपकी जो वर्ब्स होती हैं, हमारी जो वर्ब होती है, ठीक है, दो होती है हिंदी में, अगर हम देखें तो होती है सकर्मक और एक होती है हमारी अकर्मक। ठीक, तो जो हमारी सकर्मक होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, सकर्मक
यानी कि ट्रांजिटिव। तो सकर्मक आप जानते हैं जिसके अंदर की कर्म होता है यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव होती है वर्ब, जो सेंटेंस ट्रांजिट मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर की आपकी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, उसके अंदर तो आपके कन्वर्जन हो जाएगा पैसिव वॉइस का। और जो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक, उसमें तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो उसमें आपका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर जो आपको सब्जेक्ट मिलते हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे। सब्जेक्ट अगर आपका दे है तो वो ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो वो दैम हो जाएगा, अगर वी है तो वो अस हो जाएगा, आई है तो वो मी हो जाएगा, ही है तो वो हिम हो जाएगा, और अगर शी है तो वो हर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, बिकॉज आपको वीडियो देखने में एंड तक सब कुछ जो भी वीडियो में था वो लर्न हो जाना चाहिए, तभी आपको इसका कुछ रिवर्ट मिलेगा। अगर आप इसको बस वीडियो को देखेंगे फॉर्मेलिटी के लिए तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ये बात फैक्ट है। ओके गाइस, देखिए दे जो है वो दैम में चेंज होगा, वी अस में, आई मी में, ही हिम में, और शी हर में। ठीक है गाइस, इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले जो चेंजेस मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो है प्रेजेंट सिंपल का। मैंने हर एक मतलब टेंसेस को डिवाइड करके किया है। मैंने इस तरह से, मैं सोच रही थी कि मैं इस तरह से करूँगी, प्रेजेंट सिंपल हो, फिर पास्ट सिंपल हो, फिर फ्यूचर सिंपल हो, वो भी सही रहता है, एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, पर मुझे ये तो बेटर लगा। ठीक है, इनकेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक वीडियो में वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं, आप लोगों को मैंने टेंस में बताया था प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें चेंजेस कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट को आप पहले ले आइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल हमें, आप ये ध्यान रखो, मैं एक तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको कोई भी गेस्ट हमारे घर आता है, ठीक है, तो क्या हम उसे ऐसे ही भगा देते हैं? नहीं, हम उसे कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी चाय नाश्ता वॉट एवर कोल्ड ड्रिंक समथिंग कुछ ना कुछ हम उसको ऑफर करते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान में तो करते ही हैं बेसिकली। यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये अपना घर बदल रहे हैं, समथिंग कहीं जा रहे हैं, समथिंग कुछ भी मान लीजिए आप इस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ तो हमें गेस्ट को ऑफर करना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म हमें थी पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी ना, तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स लगा दी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, इज एम आर। ठीक है, इज आता है सिंगुलर के लिए, मैंने आपको पहले बता रखा है, एम आता है एक के साथ, और आर आता है प्लूरल के लिए। ओके गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सिर्फ कि अगर आपको सिंपल में गिवन है तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, इज एम आर कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आएगी, बाय सब में आएगा, सब्जेक्ट सब में आएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लर्न हुआ होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया या ले आए, यहाँ पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हम समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी, कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट सभी में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, राम प्रिपेयर्स अ स्पीच, राम एक स्पीच को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो देखिए राम आपका सब्जेक्ट था और ये आपका स्पीच जो थी वो आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है गाइस, ये आपकी वर्ब थी, तो मैंने क्या किया है, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको मैं यहाँ ले आई, आ गया, समझ गई थी मैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे इज लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर थी। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड, बाय आना ही था, बाय आ गया, और राम सब्जेक्ट था तो राम को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर होता है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आईएनजी होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे टेंस का सिंपल फॉर्मेट है। इसको देख के ही हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या आया है, कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब आना ही है। चेंजेस क्या होंगे, इज एम आर आपको दे रखा है तो आप कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, तो इज एम आर के साथ हमने क्या लगा दिया, बींग। ठीक है गाइज, जो भी कंटिन्यूअस टेंस आएंगे सारे टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, बींग सब में ही लगेगा।
वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। एक बार फिर से हम इस चीज़ को देखते हैं, सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट ही हमें मिला था, ऑब्जेक्ट हम ले आए, इज एम आर के साथ हमने बींग लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है गाइज, तो ये था इसका फॉर्मेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, सीता इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, फूड हम ले आए यहाँ पर, इज़ का एज इट इज़ लिख दिया, फिर हमने बींग लगा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, वर्ब क्या थी, कुकिंग, कुक्ड हो गया, बाय लगना ही था, और ये आ गया हमारे यहाँ पर सीता। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं गाइज, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या फॉर्मेट होता है, टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आता है सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। इसको देख के हम पहचान जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है सेंटेंस। हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उठा के सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, हैज़ हैव भी आ जाएगा, जो दिया है उसको तो यूज़ करूँ, ठीक है, बट कुछ ऐड भी करूँ, हैज़ हैव था तो क्या ऐड कर सकते हैं, बीन ऐड कर दिया, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस हमने बीन ऐड कर दिया, बाकी वही चीज़ें हैं, सब कुछ यूज़ कर लिया। एग्जाम्पल देखते हैं हम, रीना हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है गाइज, सेंटेंस देख के पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या किया मैंने, फूड को उठाया, सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, हैज़ को हैज़ की जगह लिख दिया, ऐड क्या करना था, बीन कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, लगा दी, उसके बाद बाय लगा दिया एंड सब्जेक्ट को यहाँ पे लाके लिख दिया। बिल्कुल सिंपल चीज़ है गाइज, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी चीज़ को। रीना सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया, हैज एज इट इज़ आ गया, हैज एज इट इज़ आ गया, हैज हैव के बाद बीन लगाना था, लगा दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय आ गया एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। अब देखते हैं मॉडल। मॉडल के अंदर भी टू दो रूल्स हैं, सब्जेक्ट के बाद एक सिंपल मॉडल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे आपका आ गया मे, ठीक है, शुड, ठीक है, कुड, कैन, ये सब आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और भी होते हैं। तो अगर इनकी फर्स्ट फॉर्म मॉडल आ रहा है कोई सा भी, और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें करना क्या है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ले आए सब्जेक्ट की जगह पर, मॉडल आ गया, फिर हमने बी लगा दिया, ठीक है गाइस, कुछ ऐड करना था, हमने बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, रूल के अकॉर्डिंग बाय लगा दिया और सब्जेक्ट लगा दिया, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। देखिए दिस नॉनसेंस जो था वो ऑब्जेक्ट ही हमें पहचानना ज़रूरी है। ले आए हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, विल नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल है इसके अंदर ही है, मॉडल लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद है गाइस टॉलरेट, विल और शैल वगैरह भी हमारा मॉडल में आता है। अगर हम इसको, चलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम इसको विल की जगह कैन कर देते हैं, आई कैन नॉट, यहाँ पे कैन कर देते हैं, ठीक है, सी ए एन कैन, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो दिस नॉनसेंस तो आ गया आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे कैन नॉट भी आ गया एज इट इज़, बस कुछ ऐड तो करना है, बी ऐड कर दिया, ठीक है। टॉलरेट की जगह टॉलरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, बाय एंड आई, मैंने आपको बताया था आई मी में चेंज हो जाएगा, तो ये मी में चेंज हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, ये एज इट इज़ आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हमने किया, क्या ऐड करना था, बी लगा दिया, बी इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दी लाकर हमने, बाय लगा के हमने, आई किस में चेंज हो गया हमारा, मी में चेंज हो गया। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, तो ये प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आएगा। आगे चलते हैं गाइस, अब है पास्ट टेंस। आपने सोचा होगा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं बताया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ फॉर्मेट होता ही नहीं है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, आप क्या ऐड करेंगे, और सब कुछ तो ऐड कर देंगे हम, ठीक है। हमने मैंने आपको बता दिया, बीइंग भी ऐड हो गया कंटिन्यूअस में, परफेक्ट के अंदर बीन ऐड हो गया, अब कुछ बचा नहीं जो हम ऐड कर पाए, तो उसका कुछ भी रूल नहीं होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं।
आगे देखते हैं प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज में आती है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको देख के समझ जाने कि पास्ट सिंपल टेंस है। चेंजेस कैसे होंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। समझ गए थे हम कि पास्ट टेंस है तो इसलिए हमने वॉज वर्ड लगा दिया। वॉज आता है सिंगुलर के लिए और वर्ब आता है प्लूरल के लिए। ओके गाइस, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, बाय लगाना ही है, सब्जेक्ट लगाना ही है। रोल इतना सा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के समझ जाना है कि पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो आपको वॉज वर ऐड कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम एट एन एप्पल, एट जो लिखा है मैंने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको पता लग ही गया होगा, सब्जेक्ट पता लग ही गया होगा। ये तो है आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिख दिया सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज वर्ड लगाना था, तो वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है हमारा एन। ध्यान देना है गाइस, कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है कई बार, मैं बता देती हूँ एक बार, है बहुत कॉमन सी चीज़। एक्चुअली होता क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारा सब्जेक्ट ये है सेंटेंस के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ये आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, बाय हमें लगाना ही था और राम लगाना था क्योंकि सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है। जो फॉर्मेट दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, वॉज वर्ब था जो दिया है उसको तो यूज़ करना ही, ऐड भी करना है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके अंदर बींग लग जाएगा, लग गया है बींग हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके गाइस, एग्जांपल देखते हैं। राम, सॉरी, राम वॉज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, राम एक एप्पल खा रहा था। क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट में डाल दिया, वॉज डाल दिया, एन एप्पल सिंगुलर था इसलिए वॉज लगा दिया, बींग लगाना था लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी लगा दी, बाय लगा दिया, कुछ सोचना ही नहीं था। सब्जेक्ट क्या था, राम था, कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, राम उठा के यहाँ रख दिया। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आगे देखते हैं, अब आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइस, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या है, इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट है पास्ट परफेक्ट का। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ले आए सब्जेक्ट की जगह पर, हेड जो दे रखा है वो यूज़ करना ही है, बीन लगा दिया क्योंकि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था बीन ऐड कर दिया, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ चेंजेस नहीं है। बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, बाय लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, बस हमने क्या ऐड किया, बाय ऐड किया, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट तो हमें सब में यूज़ करना था, हमने सिर्फ बीन यूज़ किया है इसके अंदर। देखते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैड बीन, सॉरी, राम हैड ईटन एन एप्पल। ठीक है, तो एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट था, लिख दिया मैंने यहाँ पर, हैड की जगह हैड आ गया क्योंकि सिंगुलर था, वैसे भी पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो हैड ही यूज़ में आता है। बीन लगाना था एडिशनल, लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है, बाय लगा दिया एंड सब्जेक्ट लगा दिया, कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात इसके अंदर नहीं है गाइस। आगे देखते हैं मॉडल। मॉडल के दो रूल्स हैं, तो एक मैंने आपको पहले बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, एक रूल ये है सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल है, उसके बाद हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। तो ये आप अब आपको थोड़ा समझ में आ भी गया होगा, तो आई थिंक पहले भी आपको पता लग ही गया होगा देखने से पहले इसको कि हैव के बाद हमें बीन ऐड कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, मॉडल आ ही गया, हैव आ ही गया, बीन हमने ऐड कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी थी, बाय लगाना था, सब्जेक्ट लगाना था, तो ये हमारे चेंजेस इसके अंदर हो गए। एक जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो पैसिव कर दो। कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, बी पहले से गिवन है, आप क्या लगाओगे, और बीन आपने लगा ही दिया, आप सोचेंगे कि बींग लगा दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है गैस, तो मॉडल के अंदर दो ही रूल्स हैं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है उसका पैसिव नहीं होगा किसी भी टेंस का। परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, जैसे कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँ तो उसका भी कोई पैसिव
नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा ये नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे और हम उसमें क्वेश्चन वाले भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीक के अंदर हम पैसिव एंड एक्टिव, सॉरी कि एक्टिव वॉइस को कवर हम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं एक प्लानर दे दूंगी आपको, तो इस वीक का प्लानर यही है कि हम इसमें टेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे इन दिस वीक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कोशिश करेंगे हम कि इस वीक में हम उसका काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लें। ओके गाइस, तो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक हिट कीजिएगा, और कुछ भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू गाइस।